इस आधार कार्ड से जुड़ी एक न्यू अपडेट निकल कर आ रही है, न्यू अपडेट बोल सकते हैं, या फिर काफी लंबे टाइम से आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड पर ये काम करना बहुत ही जरूरी है, अगर ये काम नहीं करते तो आपको आने वाले समय पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइप का कुछ मैसेज आपके सामने आ रहा होगा, जो कि आपके आधार से लिंक फोन नंबर है उस पर ये मैसेज आ रहा होगा इस टाइप का, या फिर मैसेज आ भी नहीं रहा तो भी आपको चेक कर लेना है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आधार कार्ड पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। कुछ डेट सरकार ने निर्धारित की है, उस डेट तक अगर आप कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पर। अगर इस डेट तक नहीं कर पाते तो आपको कुछ चार्जेस भी लगने वाले हैं। तो अभी फ्री हो रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने आधार कार्ड पर कैसे अपडेट करना है, फुल डिटेल्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन मेरे वीडियो के साइड पर देखने को मिल रही है। इस पर मैं आपको डिटेल टू डिटेल बता रहा हूं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है अपने आधार के ऑफिशियली साइट पर जाकर, जो कि बहुत ही जरूरी है करना है। इसके लिए सिंपल से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है अपने फोन पर एंड इधर पर आपको सर्च करना है UIDAI। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर की आधार की ऑफिशियली साइट आपके सामने आ जाती है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस ऑफिशियली साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँ इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एड्स वगैरह आएंगे, एड्स को कट कर देना है सबसे पहले। तो एड्स को कट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आधार सर्विसेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस आधार सर्विसेज पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। गाइस टाइप को कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉग इन पर क्लिक करना है, लॉग इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर ओटीपी रजिस्टर कर आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी को डालते हैं लॉगिन पर क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं फिर आगे का इंटरफेस कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रेड कलर का इधर पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, और इसकी डेट मेंशन होगी। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं अगेन फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड इधर पर आपको वेरीफाई करना है सब कुछ डिटेल चेक कर एंड वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इधर पर आपको सेलेक्ट करना है अपना डॉक्यूमेंट, जो कि आइडेंटिटी प्रूफ होगी वो आपको इधर पर सेलेक्ट कर लेना है, लाइक वोटर आईडी, पैन कार्ड और भी साथ में कई ऑप्शंस इधर पर दिए रहते हैं, इंडियन पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मतलब किसी से भी आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इधर पर वोटर आईडी सेलेक्ट करूंगा बिकॉज मेरे पास वोटर आईडी है एंड ओके पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही क्लिक करते हैं फिर इस पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं अपने गैलरी पर जाकर एक अपना डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देना है एंड सिंपल से रजिस्टर कर देना है। जैसे ही अपलोड कर देते हैं फिर इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस प्रूफ इधर पर आपको अपलोड करना है। इसके लिए आप अपनी पासबुक है जो अपनी मतलब जो भी बैंक की पासबुक है उस पर एड्रेस जो आपका रियल लिखा हुआ है उसको भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं पासपोर्ट वगैरह के, और वोटर आईडी भी इधर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पर मैं पासबुक अपलोड करने वाला हूँ, बैंक की पासबुक, उस पर मेरा एड्रेस है तो मैं उधर पर अपलोड कर देता हूँ। दोनों ही चीज़ हमने अपलोड कर लिया है एंड सिंपल से इधर पर आपको ये टिक का बटन देखने को मिलेगा, उस पर आपको प्रेस करना है एंड नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड फिर से आपको कन्फर्म कर देना है कि मतलब आप कन्फर्म हो, तो ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डियर रेजिडेंट दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको डेट मेंशन है। तो अभी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पेमेंट वगैरह कुछ करना नहीं है, तो सबमिट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं एंड गाइस जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें 15 सेकंड लेगा एंड 15 सेकंड के बाद आपकी जो भी आपने अपलोड किया था इधर पर डन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम 15 सेकंड वेट कर लेते हैं एंड डन होने के बाद आगे का इंटरफेस लाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डन हो चुका है एंड इधर पर हमारा सक्सेस हो चुका है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड पर क्लिक कर आप सिंपल से इसको पीडीएफ फाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं एंड सिंपल से डैशबोर्ड पर जाकर आप फिर से बैक जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ आप बड़ी आसानी से अपने आधार कार्ड पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। आने वाले समय पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर ये काम आप नहीं करते, आगे चलकर आपकी कुछ पेमेंट भी हो जाएगी, फी भी हो जाएगी। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है तो ये काम को अभी करना बहुत ही जरूरी आपके लिए होने वाला है। सो वीडियो सुना तो वीडियो को लाइक करना, साथ में ऐसे ही बैंकिंग नॉलेज को पाने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग गाइस।